चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं किरण स्पेशल किरण के बुक्स कुछ सेशन हमने कर लिए हैं और कुछ सेशन अभी बाकी हैं इन सेशन्स में हम लोग क्या करने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल ग्रामर के कंसेप्ट को हम लोग क्या करने वाले पीने वाले हैं और रट के नहीं सिर्फ समझ के तो ये हमारा चैनल है जो आपको पूरे ग्रामर में मजबूत बनाने के लिए आ गया है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको जब सेशन अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करेगा क्योंकि ये सेशन है आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है आइए इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर वन नहीं है ये बता दूं मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक है जहां पे आप लोगों को इसकी पूरी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है तो लिंक नीचे दे दिया गया है कमेंट में भी हम लोग अटैच कर देंगे उसको ऐड कर देंगे पिन कर देंगे तो आप देख लीजिएगा ठीक है चले शुरू करें क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बता दो यार अभी तक नहीं आया क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नहीं आया चलो क्वेश्चन हम लोग आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है अब जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर वन ठीक क्वेश्चन नंबर वन का आंसर अभी तक नहीं आया अब तो क्वेश्चन भी आ गया है आपके सामने बी में क्या गलती है ये भी बताइए

आई वुड हैव हेल्प you। यू मैं तुम्हें हेल्प कर चुकी होती किसमें? सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समस्या को सॉल्व करने में अब देखिएगा यहाँ पर हेल्प आया है हेल्प हमारा क्या होता है जिस तरीके से हेल्प है उसी तरीके से मेक होता है उसी तरीके से लेट होता है और ये सब क्या होते हैं ये सब पॉजिटिव वर्ब होते हैं पॉजिटिव वर्ब होते हैं और पॉजिटिव वर्ब की खास बात ये होती है कि वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है इनके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर से आपको दिखाई देने लगेगा वर्ब वर्ब दिखाई देने लगेगा और ये सब अपने साथ कौन सा वर्ब लेते हैं वर्ब फर्स्ट लेते हैं तो हेल्प प्लस ये रहा पॉजिटिव वर्ब प्लस ये रहा ऑब्जेक्ट और प्लस आपको दिखाई दे रहा है वर्ब जैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए ना वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको समझ जाना है कि ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा ठीक है तो राइट right आंसर क्या हो गया ठीक है ये हो गया इसके साथ ये आता है, इसके साथ अच्छा अब एक समझ लो। हेल्प है, हेल्प के हो तो ठीक है मेक में सिर्फ वेयर इंफेनेटिव आएगा मतलब वह फर्स्ट ही आएगा लेट है तो वह फर्स्ट ही आएगा ठीक है हेल्प है तो टू प्लस व फर्स्ट भी आ सकता है और हेल्प तो, तो, है, मतलब है तो वह फर्स्ट तो भी आ सकता है गेट है तो तो हमेशा वर्फ थर्ड ही आएगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो राइट आंसर क्या हो गया राइट आंसर है हमारा दिस वन। ये ठीक हो गया अच्छा ये तो ठीक है नो एरर बचता है तो नो एरर इसका राइट आंसर है पहला क्वेश्चन है जिस जिसका सही हुआ है यानी कि बोनी हो गई जि जिस जिसकी वो थम्स अप करें और जिनने गलत आंसर करा था वो एक छोटा स्माइली भेज दें बता दूंगी मैं आप लोगों को ठीक है पता चल जाएगा उससे मेक हाँ, में क्या होता है मेक में अलग होता है मेक में यहां तो बेयर इन्फिनेटिव है तो बेयर इन्फिनेटिव एक्टिव में लेता है मेक है ना और पैसिव में मेक क्या लेता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट लेता है राइट right. चलिए बोनी जा काफी लोगों की बोनी सही हुई है वेरी गुड शाहरुख खान का गलत हुआ है श्वेता का शायद गलत हुआ है निशा का गलत हुआ है ओके okay. चलिए इसी के साथ काफी लोगों का यहाँ पे सही हो चुका है ज्यादा आजकल आज जो है वो बोनी वाले लोग हैं, वेरी गुड जिनकी नहीं हुई है यहाँ पे ट्राई करिएगा ओके okay. जितेश कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी क्वेश्चन अभी और भी बाकी है मेरे दोस्त एक ही तो हुआ है अभी तो शुरू हुई है पिक्चर चलिए द अरेट एंड इंटरेस्टिंग बुक ये इंडीट का मतलब क्या होता है रियली really, वास्तव में ठीक है एडवर्व की तरह यूज हुआ है यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स अरेबियन नाइट्स है ये बुक का नाम है ये बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स है ना अब भले से यहाँ पे एस लग गया लेकिन नाम है ये क्योंकि इन्वर्टेड में है देखो ऊपर इन्वर्टेड लगा हुआ है और यहाँ पर अरेबियन नाइट ये खास पहचान है सारे फर्स्ट लेटर्स कैप्स में होते हैं है ना जैसे इसका ये तो ये नाम होता है होटल्स के भी नाम होते हैं तो वो हमेशा कैप्स में ही आते हैं और कैप्स में है यानी कि सिंगुलर है यानी कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा इज इट करेक्ट एवरी वन सबका करेक्ट है क्या पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का वहां पर मिल जाएगा ओके okay? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे थ्री पे He loved her despite of himself. ये क्वेश्चन जो है ये स्टार क्वेश्चन है आज का स्टार क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कॉमेंट बॉक्स में इसके आंसर आने चाहिए बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो हम्म He loved her despite of himself. ऑफ हटा देंगे देखो ऑफ तो हटा दिया ये तो सबको आता है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है है ना तो ऑफ रिमूव रिमूव हो गया सेकंड से बोनी हो गया होगा सबका हर क्वेश्चन पे दो रुपए रखते जाइए सामने अपने ठीक है और देखिए कितने दो रुपए आज आपने बचाए हैं गलत कर करके ठीक है लिख लीजिए दो रुपए प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है कि सामने कॉइन ही रखा जाए आप पेपर पे लिख लीजिए लॉकडाउन चल रहा है समझ रही हूँ मैं आपके हालात तो लॉकडाउन चल रहा है दो रुपए दो रुपए करके कागज पे लिख लो हर क्वेश्चन पे अपने आपको दो रूपये दो गलत हो तो बचाओ कि अच्छा हो बच गए मेरे पैसे राइट चलिए क्वेश्चन तो हाँ डिस्पाइट के साथ ऑफ हटा देंगे या इंस्पाइट ऑफ लगा सकते हैं पर क्या आपको ये सेंस समझ में आ रहा आया हर उसने लव किया उसको मैन है ये ये वुमेन है ना तो ये सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है मुझे पता है इतने पैसे नहीं है इसलिए मैंने कहा ये लो कागज इसमें लिखो टू रुपीज इंडियन करेंसी ठीक है हो गया दो रुपए आपके सामने हाँ बताया था ना वर्ब प्लस आई एन जी क्यों नहीं आया क्योंकि क्यों नहीं लेता हेल्प अपने साथ प्लस आई एनजी सेंसेशन ऑफ़ सेंसेशन होते हैं ना जैसे कि सी है और हियर है लिसन है फील है इनके साथ ये वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं इनके साथ आईएनजी या बेयर इंफिनिटिव आ सकता है ठीक है चलो हाँ ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ डिस्पाइट हिमसेल्फ राइट ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ तो यहाँ पे डिस्पाइट हिमसेल्फ का सेंस क्या है ये आपका स्टार क्वेश्चन है ठीक है आंसर तो बता चुकी हूं मैं अगला क्वेश्चन 24 ऑफ ऑल द मॉडल्स सारे मॉडल्स में से सारे मॉडल्स में से जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन जेसिका जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है सारे मॉडल्स आ गए हैं ऑल में है ना ऑल आ गया यानी कि सब में से बात हो रही है जब सब में से हो रहा है तो जेसिका जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत बताई जा रही है तो जेसिका के साथ क्या लग जाएगा सबसे ज्यादा खूबसूरत है ऑल यहां पे आ गया है तो यहां पर क्या लगेगा सुपरलेटिव लगेगा ठीक है सुपरलेटिव डिग्री लगेगा यानी कि मोर यहाँ पे से हटा देंगे क्योंकि मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है ठीक है कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का यूज किया जाता है एनी या एनी अदर का यूज किया जाता है और ऑल का यूज आते ही सुपरलेटिव लग जाता है तो सबसे ज्यादा आंसर किसके आ रहे हैं मोस्ट के आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ इसीलिए मैंने बोला शालिनी आपको बता रही हूँ आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है ना ऑलरेडी तो बस मोस्ट लगाओ आंसर पाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फाइव नंबर क्वेश्चन वेन आई वेंट देअर चार्ल्स इज प्लेंग गेम ऑफ चेस ठीक है इस क्वेश्चन पे व्हेन आई वेंट देयर जब मैं वहां गई जब मैं वहां गई व्हेन अपने साथ या तो पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल ले लेता है तो जब मैं वहां गई तब क्या हुआ चार्ल्स जो है वो गेम ऑफ चेस खेल रहा है या था जब मैं वहां गई तो क्या हुआ था ठीक है तो चार्ल्स वॉज आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे अब कोई बोलेगा मैम यहाँ पर वेंट की जगह गो करते दें क्या तो गो करते ही क्या हो जाएगा ये येबिचुअल एक्शन व्हेन आई गो देयर जब मैं वहां जाती हूं चार्ल्स प्ले करता प्ले कर रहा है तो भी गलत हो जाएगा है ना तो वॉज लगाएंगे इसमें सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन द way टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर cultivation अच्छा क्वेश्चन है पर वर्डी है और वर्डी क्वेश्चन जो है वो जनरली हम लोग क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं अब आप लोगों से एक निवेदन है छोटा सा कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे थोड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में तो मुझे पता है लाइक like तो आप करोगे ही है ना कुछ लोगों ने नहीं करा है, भूल गए होंगे बाय मिस्टेक हो गया होगा चलो कर देते हैं like लाइक कर देते हैं है ना अब आगे बढ़ते द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड द वे तरीका इंक्रीज करने का किसको प्रोडक्शन को तरीका इंक्रीज करने का प्रोडक्शन को प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका किसके ऑफ द फूड फूड के तरीके को बढ़ाने का राइट right? इज वो क्या है टू ब्रिंग मोर लैंड ज्यादा लैंड लाना अंडर कल्टीवेशन कल्टीवेशन ज्यादा करना ठीक है उसको बोला जा रहा है तो अब देखो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर अब और ज्यादा लैंड लाना है कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन क्या होता है फसल उगाने के लिए और लैंड लाना तो यहाँ पे तो ये सब ठीक है है ना यहाँ पे बस ये भी ठीक है द मोर का मतलब क्या है और ज्यादा लैंड लाना यहाँ पे गलती है ऑफ फूड जनरल सेंस में कहा गया है जनरल सेंस में कहा गया कि फूड को देखो द वे रास्ता किसका इंक्रीज करने का अभी ये हुआ नहीं है ना इसलिए इसमें इन्फिनेटिव नहीं लगेगा द वे टू इंक्री सॉरी जीर्ण नहीं लगेगा द वे टू इंक्रीज इंक्रीज करने का तरीका प्रोडक्शन को इनक्री किसको बढ़ाना है इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव में जब अगर वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है इंक्रीज करना है इंक्रीज करना है बढ़ाना, है बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है क्या बढ़ाना है प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ाना अब किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है फूड का ऑफ फूड द नहीं आएगा क्योंकि ये जनरल सेंस में बात हो रही है देखो बेटा जी ये समझ लो फूड जो है हमारा क्या है ये अनकाउंटेबल है है ना अनकाउंटेबल के साथ द जनरली तब आता है जब इसकी स्पेशल स्पेशल केस में बात हो रही हो जैसे कि मैं देखूँ द फूड यू गेव मी जो खाना तुमने मुझे दिया था द फूड यू गेव मी वॉज डिलीशियस बड़ा अच्छा था जो खाना तुमने मुझे दिया था वो बड़ा डिलीशियस था तो अब यहाँ पर द लगाया है ना ठीक है और लिखा नेक्स्ट सेंटेंस फूड फूड इज गिवेन टू पुअर्स एवरी डे हर रोज यहाँ पे पुआ को फूड दिया जाता है ठीक है क्लियर और पुआ पीपल लिख दें यहाँ पर तो सही रहेगा अदरवाइज हमें द पुआ करना पड़ेगा समझ गए तो द हटाओ आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है ये जिसका पैसा घटने लगा है उसका मतलब क्या है क्वेश्चन सही होने लगे हैं क्वेश्चन गलत होगा तो आपको फायदा होगा पैसा कम खर्च होगा चलिए इसी के साथ दा हटाएंगे आंसर में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेंगे ट्वेंटी सेवन आ गया है आप लोग के सामने द गर्ल्स वॉचड इंटेंटली इंटेंटली मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके गर्ल्स उसको देखने लगी ठीक है देखने लगी एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद्रैक्टिस हैंड है ना जैसे ही मॉडल ने अप्लाई करने लगी मेकअप को तो सब गर्ल्स जो है बहुत ही एक्साइटेड होके बहुत ध्यान से देखने लगी प्रैक्टिस हैंड से जब वो मेहनत कर रही थी राइट right? अब देखेंगे द गर्ल्स वॉच इंटेंटली द गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा वै गर्ल्स ने देखा कैसे देखा इंटेंटली बहुत ही एक्साइटेड होके बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा एज जैसे एज क्या है एज हमारा कंजंक्शन है उसका मतलब जैसे ही है ना एज या क्योंकि द मॉडल अप्लाईड क्योंकि मॉडल ने शुरू कर दिया था अप्लाई करना मॉडल लगा रही थी लगाती थी या लगाई क्या हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस हैंड प्रैक्टिस हैंड यहां पे नहीं आएगा प्रैक्टिस यानी क्या होता है अभ्यस्त होता है थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छा कर देंगे या तो हम लिख देंगे स्किल्ड हैंड क्योंकि हुनर है ना मेकअप लगाना इज हुनर ठीक है यानी यानी कौशल तो कौशल के लिए स्किल्ड का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा राइट तो दैट इज द राइट आंसर ओके okay. हटा देंगे हम लोग प्रैक्टिस को स्किल्ड को लगा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल लेंगे इफ ही इज अ मिलेनिया ही वुड हेल्प ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सबके यहाँ पे पैसे खर्च होने चाहिए सबके यहाँ पे पैसे खर्च होने चाहिए हाँ विद स्किल्ड हैंड क्यों आएगा क्योंकि स्किल्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है वहां पर इसलिए एडजेक्टिव लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट देखो

वर लगा देंगे इमेजिनरी काल्पनिक के लिए हम लोग uh, चुनते हैं क्योंकि ये ये होता है और ये V2 का बेसिक फॉर्म है और यही हमारा लगता है कहां पे ही के साथ शी के साथ सबके साथ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन 28 हो गया ट्वेंटी द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद कैबिनेट कलिग्स

इसका मतलब है और इफ आई वर रिच इसका मतलब है अगर मैं रिच होती अब यहां पर ये समझ लिया अब मैं आपको सेंटेंस दिखा रही हूं वहां पर हैड क्यों नहीं लगा है राइट right? यहां पे बी लिखा हुआ बी इज है एम है वॉज है वर है है ना ये इसके फॉर्म में सिंगुलर ये प्लूरल ये बी के फॉर्म में तो ये बी दिया हुआ है यहाँ पर तो हमने बी के फॉर्म को चुना अगर हैज हैव दिया हुआ होता तो हम हैज हैव के फॉर्म को चुनते हैं, तो हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है तो हैड कब लगता है इफ ही हैड अ मिलेनियर फिर कोई सेंस नहीं देगा इफ ही हैड मनी होता ठीक है समझ रहे हो इसलिए क्लियर चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम लोग ट्वेंटी एट हो गया ट्वेंटी है आ गया है और अलोंग विद का मतलब प्रेपोजिशन, तो ये हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना, बना, बना दिया तो हमारा सब्जेक्ट तो यही है की आ जाएगा, आराम से करने वाला क्वेश्चन होगा ठीक है चलिए हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई राइट अगला क्वेश्चन नाइन हो गया था टेन द पोलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है हमारे इन सेशन में अभी है ना जिस जिसका सही नहीं है वो बताइएगा ऐसा नहीं हो सकता है अमन आप कौन से नंबर पे मैसेज कर रहे हैं

अगले वाले क्वेश्चन में ग्रामक बेसिस से स्टार्ट हो चुकी है बेसिक से स्टार्ट हो चुकी है है ना प्लीज गो फॉर दैट शुरुआत में मैं बताती हूँ उसके बारे में यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव बीन डूइंग आप करे जा रहे हो अपना होमवर्क रेगुलरली नियमित रूप से आप अपना होमवर्क किए जा रहे हो राइट right? अब यहाँ पे क्योंकि प्रश्न है तो इसको प्रश्न बनाओ क्या ये प्रश्न है क्या आप अपना होमवर्क नियमित रूप से कर रहे हैं क्या आप अपने पढ़ाई को नियमित रख रहे हैं अगर मैं प्रश्न पूछूं तो हेल्पिंग वर्फ पहले आएगा ना प्रश्न पूछने के लिए तो हेल्पिंग वर्फ को पहले ला दो हैव हैव यू यू बीन बीन बस इतना कर दो हेल्पिंग वर्फ पहले मेन वहन बाद में बीच में सब्जेक्ट अगर डब्ल्यू एच आता तो यहाँ पे आ जाता Why have you? ये वाई आता तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन जाता उसका डब्ल्यू का क्वेश्चन में क्या होता है ये पहले आता है हेल्पिंग रेगुलरली नियमित रूप से ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज फॉर द असेसमेंट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन क्लास में मैं इनको पढ़ाती हूँ नहीं वो कैब वाले में नहीं ले सकते हैं आप लोग क्योंकि वो कैब वाला बंद हो गया है उसके लिए आपको ग्रामर वाला ही लेना पड़ेगा ये बताया है मैंने ठीक है तो आप ग्रामर वाला ले लो जिस जिस के पैसे ज्यादा खर्च हो गए वो मुझे बताए हम भी हेल्प कर सकते हैं हम आपको ई मनी भेज सकते हैं अपने डिजिटल अकाउंट से जैसा मैंने बताया था ठीक है फोटोज ऐसे करके ठीक है हाँ अब देखिए द सेम प्रोसीजर यही सेम प्रोसीजर है जो ऑल्सो यूज होना चाहिए फॉर द फाइनल असेसमेंट असेसमेंट फाइनल में भी देखो शुड हमारा है यहाँ पर शुड हेल्पिंग शुभ हमारा मॉडल वर्व है और शुड एक ऐसा हेल्पिंग है यानी कि मॉडल वर्व होते हैं ना जो मॉडल हेल्पिंग वर्व होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्व का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो या तो शुड यूज अगर हम शुड यूज लिखेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा एक्टिव हो गया इसका मतलब क्या हो गया सेम प्रोसीजर शुड यूज यही प्रोसीजर को यही प्रोसीजर यूज करना चाहिए तो ये प्रोसेसर इंसान नहीं है इसलिए एक्टिव नहीं होगा ठीक है तो शुड यूज़ को हम हटाएंगे अब इस ऐसे में हम इसका पैसिव फॉर्म लाते हैं शुड बी यूज ठीक है लेकिन आपको अगर याद हो ये भी अभी गलत है यहाँ पे एक वर्ड और पड़ा हुआ है ऑल्सो ऑल्सो इज एन एडवर्ब एडवर्व और एडवर्ब की जगह कहाँ होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और मॉडल और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा शुड ऑल्सो किताब में इतना गहराई में नहीं लिखा हुआ है ये सब नहीं लिखा हुआ है पर तो उसमें तो सिर्फ यूज की जगह बी डाल दिया गया ठीक है ये स्ट्रक्चर होगा एकदम करेक्ट शुड ऑल्सो बी यूज शुड बी यूज के अलावा शुड ऑल्सो बी यूज भी यहाँ पे आएगा ठीक है चलिए लाइक तो कर ही दिया होगा ना आप लोगों ने आप लोगों पे खूब भरोसा है मुझे क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हैं सपोर्ट देते हैं हमेशा तो लाइक भी आप लोगों ने अभी कर दिया होगा जिनका रह गया है देख लो एक बारी है ना भूल गए होंगे क्वेश्चंस में ध्यान दे रहे होंगे अगला क्वेश्चन आई मस्ट फाइंड आउट सम मीनस टू बैलेंस माई बजट मेरे बजट को बैलेंस करने शुड बी ऑल्सो नहीं शुड बी शुडो गलत है क्योंकि बी के बाद नहीं आएगा अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं हमारे पास तो जो एडवर्ब है वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए ठीक है जो मेन वर्ब है वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा वर्ब अगर दोनों हमें दिए हुए हैं तो एडवर्ब बीच में आना चाहिए ये स्ट्रक्चर होता है अगर हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा एडवर्ब बाद में आएगा अगर हमारे पास सिर्फ मेन वर्ब है तो हमारा एडव पहले आएगा यानी कहने का मतलब है आप देखो इस स्ट्रक्चर को और आप इसको देखो एडवर्ब अपनी जगह नहीं बदल रहा है हेल्पिंग है तो पहले मेन है तो बाद में एडवर्ब वही का वही ये स्ट्रक्चर है ठीक है राइट हां अब आइए ये इस आई मस्ट फाइंड आउट फाइंड आउट करना है नहीं ढूंढना है ना मुझे ढूंढना ही होगा और मस्ट क्या होता है अ काइंड ऑफ कॉम्पल्शन मुझे ये काम करना ही होगा ये कहने के लिए मस्ट लगाते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं या तो मुझे करना ही है या करना होगा मे भी चलता है ये तो मुझे करना है क्या फाइंड आउट करना है सर्च करना है सम मीन्स टू कुछ कुछ मीन्स मीन्स क्या होता है वे है ना वेज तलाश तलाशने हैं मुझे वेज तलाशने हैं मुझे और यहाँ पर इसको हम वेज तला, तलाशने हैं मुझे और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं आई मस्ट फाइंड आउट सम मनी टू मनी बैलेंस करना ना बैलेंस करना ना बैलेंस करना ना मेरे बजट बजट मेरा बैलेंस नहीं है तो मुझे क्या करना है मुझे बैलेंस करना है तो बैलेंस करना यानी मनी ढूंढना है तो यहाँ पर मीन्स का मीन्स यानी क्या होता है स भी होती है धन भी होता है दीज आर माई मीन्स तो यही मेरे सोर्स हैं यही मेरा रिचनेस है यही मेरा पैसा है तो रिच के लिए भी आता है पैसे के लिए भी आता है ये ओके आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स कुछ तरीके हमें ढूंढने होंगे अच्छा कुछ पैसा ढूंढना होगा तो सम अदर ढूंढना होगा क्योंकि बजट बैलेंस नहीं हो रहा पैसा हो गया कुछ अदर पैसे भी ढूंढने होंगे क्योंकि बजट को बैलेंस करना जितना मेरे पास था उतना तो हो गया ठीक है इसलिए उसके आगे हमें मीन्स लगाना पड़ेगा राइट आंसर मीन्स होगा ओके okay? चलिए अगले बार क्वेश्चन में चलेंगे अभी रहा थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली अब देखिए एडवर्ब है कंप्लीटली मैं फाइन हूं कितना कंप्लीटली ठीक है कितना फाइन हूं कंप्लीटली राइट अब ये कौन सा कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बार बार हर रोज पूरा आधा ये फ्रिक्वेंसी वाले हैं ना तो फ्रिक्वेंसी वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो कहां आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले अब ये भी बताया था मैंने आप लोगों को तो या तो ये ऐसे होता आई एम कंप्लीटली फाइन तो सही है आई एम कंप्लीटली फाइन पर अगर हम लोग ये वाला करेंगे ये वाला करेंगे तो फिर ये यहां पे भी आर हो गया यहां पे भी आर हो गया तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं इस कम्प्लीटली को क्योंकि एडव है तो ये यहाँ नहीं लग सकता तो हम इसको रहने इसको हम चेंज करते हैं इसको रहने देते हैं आई एम फाइन इन टो टो ये दिया है ये दिया है ये एक एडजेक्टिव होता है इन टोटो एडजेक्टिव इडियम है एडजेक्टिव फ्रेज है इडियम बोला जाता है इसको इन टोटो का मतलब होता कंप्लीटली लेकिन क्योंकि इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव है तो इसको हम यहाँ रहने देंगे आई एम फाइन एडजेक्टिव है इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ सकता है फाइन है एडजेक्टिव और कंप्लीटली जगह इंटोटो भी आ सकता fine in ये एक पूरा फ्रेज जाता है right? चलिए तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन में या तो एक साथ होता तो हम कंप्लीटली फाइन कर देते पर क्योंकि ऐसा है नहीं तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 34 फोर यहाँ पे खत्म होता है वर्क अब मैं थोड़ा स्पीडली चलू ऐसे वाले क्वेश्चन पे जो पहले से ही करे जा चुके हैं उसने मुझसे पूछा क्या पूछा डब्ल्यू एच आ गया डब्ल्यू एच जैसे ही आ गया आगे देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है क्या पूछा का आंसर मिल रहा है व्हाट क्लॉज है तो जब व्हाट क्लॉज हमारे सामने है तो हम लोग क्या करेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब बाद में क्योंकि अभी प्रश्न नहीं पूछ रहा है आ, वेन आई कुड इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन आई कुड फिनिश सही हो जाएगा तो when i could का मतलब मैं अपना कब ये क्वेश्चन नहीं पूछा उसने मुझसे पूछा कि कब मैं अपना वर्क फिनिश कर दूं राइट आंसर बी होगा इसका डी नहीं होगा ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं इन सेशंस में नीदर ऑफ देम इन उनमें से कोई भी नहीं देम का मतलब क्या है यहां पर दो होंगे क्योंकि इधर नीदर दोनों इधर नीदर हमेशा दो के लिए आता तो दोनों में से कोई भी नहीं क्या है अच्छा है और इधर निधर अगर हमारा सब्जेक्ट बनता है ये सब्जेक्ट है ना क्योंकि ये ऑफ है ऑफ का ऑब्जेक्ट तो ये हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, है, है ये भी ठीक है गुड ये भी ठीक है बी के बाद एडजेक्टिव आता है तो राइट आंसर क्या हो गया राइट right आंसर हो गया हमारा नो एर थर्टी सिक्स किस किस का सही है वो थम्स अप करेंगे और जिसका गलत है वो एक फेस बनाएंगे स्माइली वाला और जिनको पैसों की बचत हुई है वो भी बना दे क्योंकि गलत क्वेश्चन है नहीं आपने अपने पैसे बचा लिए राइट right? अगला क्वेश्चन ड्यू टू मी बींग न्यू कमर आ न्यू कमर न्यू कमर मतलब क्या होता है नया नया होने के कारण है ना किसी जॉब को अगर आप ज्वाइन करते हैं नए नए होते हैं तो आप क्या करते हैं न्यू कमर कहलाते हैं तो ड्यू टू और ड्यू टू होता है क्या के कारण बिकॉज ऑफ ओइंग टू बोल सकते हैं सही है बिकॉज ऑफ अब ये प्रपोजिशन है ये प्रपोजिशन है और आगे हमें क्या दिख रहा है जिरंड दिख रहा है तो प्रपोजिशन और जिरण के बीच में क्या लग सकता है सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव ठीक है क्योंकि सारे जी नाउन होते हैं और नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते हैं। नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन आता है इसलिए इस मी को उड़ाएंगे माय को लगाएंगे ठीक है और हमारा आंसर राइट right हो जाएगा अब ड्यू टू माई बींग न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू अब क्योंकि इसमें शुरुआत में ही प्रेपोजिशन आ गया तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट यहां पर है राइट ड्यू टू माई बींग न्यू कमर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे थर्टी एट द सर्क्यूलेशन ऑफ द स्टेट्स मैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज पेपर किसी का भी सही हो तो आप क्या करें स्माइली गलत हो तो सॉरी सही हो तो थम्सअप करें गलत हो तो स्माइली जरूर करें और कुछ लोग अगर कुछ ज्यादा पैसे वाले हो गए तो अपने पैसे मुझे शेयर कर सकते हैं ठीक है अकाउंट नंबर मैं दे दूंगी अभी थोड़ी देर में अगला वाला क्वेश्चन द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्स स्टेट्समैन से नहीं क्या होता है पुलिस ये द स्टेट्समैन है वैसे तो द स्टेट्समैन का मतलब पॉलिटिशियंस होता है लेकिन क्योंकि टी कैपिटल दिख गया और स्टेट्समैन का एस बी कैपिटल दिख गया इट मीनस इट इज अ नेम है ना टाइटल है ये किसका टाइटल है न्यूज पेपर का टाइटल है स्टेट्समैन तो द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर सर्कुलेशन मतलब जो सर्कुलेट होता है वो ज्यादा है कहीं ज्यादा है दैट ऑफ एनी न्यूज पेपर एनी एनी लो कोई भी जबकि एनी अदर जबकि अदर आएगा ना क्योंकि हम दूसरों से कंपेरिजन कर रहे तो इसमें हमेशा कंपेरिटिव में जब दूसरों से कंपेरिजन किया ही जाता है तो एनी के साथ अदर का भी यूज किया जाता है एनी अदर इज द राइट वन ह्योर अगले वाले में चलेंगे थर्टी नाइन में इन द गार्डन गार्डन में थे ये देखो इन्वर्जन है ये एडवर्वियल इन्वर्जन है एडवर्वियल इन्वर्जन है जैसे कि हियर कम्स मिस्टर शर्मा ठीक है हियर कम्स मिस्टर शर्मा तो हियर हमारा क्या है एडवर्व क्या है एडवर्व है इसी तरीके से यहां पर भी एडवर्व है अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही वाला ज्यादा गर्मी है इसलिए अभी चेंज हो गया ना टेम्परेचर राजस्थान का देखो आपको पता चलेगा इन द गार्डन ये देखो जगह है सबसे पहले जगह आ रही है इनवर्जन हो रहा है इनवर्जन जब होता है ना तो क्या करते हैं वह हमारा पहले आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाता है तो ये हमारा वव पहले यहाँ पर भी पहले इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स अब यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है गार्डन में गार्डन में सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स थे ये बोलने के लिए हम मोस्ट लगाएंगे ठीक है हम मोस्ट लगाएंगे ये देयर वेयर कुछ नहीं आएगा आंसर गलत है इसका एक्सप्लेनेशन वहां क्वेश्चन में गलत है बेटा प्लीज है ना वहां देर लिखा हुआ देर की जरूरत नहीं है इन द गार्डन वर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स अब इसको आप सीधा भी कर सकते हैं द मोस्ट फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स वर देयर इन द गार्डन ठीक है तो दिस इज द राइट आंसर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे वर द मोस्ट कर देंगे और सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन पोएट about अबाउट द स्प्रिंग पोएट डिस्क्राइब करता है किसके बारे में स्प्रिंग सीजन के बारे में ठीक है बहुत ज्यादा जगह पे बारिश हो रही है क्योंकि वो मानसून का भी स्टार्टिंग होने वाला बट यहाँ पे तो अभी बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी है रात में भी ठीक है चलो द पोएट describes. अब डिस्क्राइब describe जो हमारा वर्ड है ये हंड्रेड परसेंट टीवी होता है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इसलिए ये हमेशा अपने इसके साथ अमाउंट दे के बहुत बारी गलती ही जाती है कि अपने साथ सीधे सीधे क्या ले लेता है अपने साथ सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट ले लिया आंसर आ जाएगा जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है भूल गया है बाय मिस्टेक क्योंकि आप लोग को याद तो रहता ही है आते ही कर देते हो बहुत सारे लोग तो है ना तो लाइक कर दीजिएगा बाद में जब भी आप देख लें आपको लगे हाँ लाइक करने लायक है क्योंकि ये प्रेरणा देता है आगे देखने वाले को हमारे लिए हमें कोई काम नहीं आता पर ये क्योंकि हम भी अगर आपका आपको भी कोई वीडियो देखना या कितने लाइक्स हैं अच्छा इतने इतने व्यूज़ हैं तो हम जरूर से देखना पसंद करते हैं ना उसको क्योंकि ये हमारे मेंटालिटी को बताता है कि अच्छा होगा हमें अच्छा है ख़राब है हम तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा लेकिन एक माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा है इसलिए मैं लाइक के लिए आप लोगों को काफ़ी यू नो फोर्स करती हूँ अदरवाइज हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है ठीक है आई। कुछ लोग कहते हैं अच्छा लगेगा तो खुद ही लाइक कर देंगे कई बार भूल भी जाते हैं और इसका इंपैक्ट पड़ता है उन व्यूवर्स पर जो सिर्फ ये लाइक और व्यू देखकर आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज दे अग्रीड वो अग्री हो गए टू रिपेयर द डैमेज देखो अग्री के अपने साथ क्या लेता है ये लेता है टू प्लस दिस रिपेयर है ना टू प्लस वर्ब्स लेता है दे अग्री टू रिपेयर द डैमेज डैमेज को रिपेयर क्योंकि अभी तक हुआ नहीं वो अभी माने ही है रिपेयर करने के लिए हुआ नहीं है तो फ्रीली अच्छा फ्रीली ऑफ चार्ज है ये तो चेंज हो ही जाएगा कैसे फ्री ऑफ चार्ज एल वाई हटा देंगे फ्री ऑफ चार्ज ये पूरा एडोमेटिक फ्रीज है फ्री ऑफ चार्ज मतलब मुफ्त में ही वो रिपेयर कर देंगे ठीक है चलिए नहीं एडवाव नहीं आएगा ना फ्री ऑफ चार्ज यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बोलने के लिए कि फ्री में कर देंगे तो एडवर्व नहीं आएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने फोर्टी वन हो गया फोर्टी टू वेन दरुण दारून नाम है क्या दारू लिखा हुआ है heard the news. जब ने सुना न्यूज को कौन सा न्यूज सुनाड बीन हॉस्पिटलाइज उसके फादर जो है हॉस्पिटलाइज हो गए थे he his trip. उसने अपना ट्रिप कैंसिल कर लिया एंड रिटर्न बैक टू विलेज और वो वापस आ गया अपने गाँव में ठीक है तो यहां पर क्या है कौन संजीव सर नहीं मैं नहीं जानती हूं रिटर्न बैक रिटर्न के साथ बैक लग गया है बैक लग गया है तो ये क्या हो गया सुपरफ्लूस गलती हो गई है ये गलती है है ना बैक नहीं लगता रिटर्न के साथ तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा थ्री पार्ट में हो जाएगा अगला क्वेश्चन द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइज ऑफ ठीक है सुपरफ्लुएस सुपरफ्लुएस बोला जाता है उसको अगला वाला गवर्निंग बोर्ड गवर्निंग बोर्ड जो है वो कंप्राइज़र्स ऑफ़ है है ना अब कंप्राइज़र्स एक ऐसा वर्ब है जो एक्टिव में अपने साथ ऑफ़ नहीं लेता है ठीक है अगर इसके साथ आप इज लगा दोगे तो ये कंप्राइज हो जाएगा क्योंकि पैसिव बन जाएगा पैसिव में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा कम्प्राइज के साथ ऑफ आता है ये वर्ब फर्स्ट है इसके साथ ऑफ नहीं आता है ठीक है तो कंप्राइज रहेगा ये अकेला कंप्राइज सेवरल डिस्टिंग पर्सनैलिटीज मतलब क्या है ऑफ उड़ाओ आंसर पाओ सेकेंड इसका राइट right आंसर है अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे फोर्टी में ठीक है ओके स्टीफन वी गेट गेट दैट चलो क्वेश्चन करो अभी माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस मेरे अंकल डज नॉट स्पेंड बिल्कुल खर्चा नहीं करते हैं प्रेजेंट टेंस है एक्शन जनरली ठीक है सो मच मनी इतना ज्यादा पैसा उस हाउस पर मेरे अंकल उस हाउस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं क्यों अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून क्योंकि वो सोचते हैं मूविंग इन करने की बताओ ये क्या होगा बी होगा बी में अरे आंसर बताया करो ऐसे बी मत बताओ सो मच मनी क्यों हुआ है बता देती हूँ मैं आपको टू मच मनी का तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा ना कुछ ज्यादा ही जितना नहीं खर्च करना चाहिए उतना ठीक है इसलिए तो टू मच नहीं होगा सो so मच ही रहेगा इतना ज्यादा पैसा उस घर पर वो खर्च नहीं करते हैं अनलिस मतलब जब तक की नहीं जब तक कि वो ये नहीं सोच लेते दूसरे घर में शिफ्ट होने का ठीक है तो ये जो है हमारा सेंटेंस का मैच नहीं हो रहा है बेटा जी सेंस नहीं आ रहा हालांकि इसका जो आंसर है वहां पर क्या लिखा हुआ है डज नॉट की जगह विल नॉट आ जाएगा अब विल नॉट लगा देती हूँ देखो विल नॉट अब ग्रामेटिकली सही हो गया क्योंकि ये हो गया हमारा सेंटेंस और ये कंडीशनल यहाँ प्रेजेंट टेंस यहाँ पे फ्यूचर सिंपल हाँ लेकिन ये अभी भी गलत है अगर आप विल नॉट लगा दो तो भी ये आ जाएगा अनलेस ही थिंग्स जब तक वो नहीं सोच लेते मूव तो करने का वो उस घर में पैसा नहीं खर्च करेंगे ठीक है तो ये जो है हमारा सेंस नहीं दे रहा है हम इसको सेंस देने के लिए बिकॉज भी यहाँ पे लगा सकते हैं माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस उस घर पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे जब तक कि वो उस घर में शिफ्ट होने का नहीं सोच लेते ठीक है हाँ सो आ... एक मिनट एक मिनट यहां पे तो नॉट सही है ना अनलेस वाली लाइन में नॉट नहीं आना चाहिए यहां पे तो नॉट आ सकता है आता ही है हमेशा दूसरे वाले फ्रेज में तो नॉट आता ही है तो रहेगा वहां पे, ठीक है तो डज नॉट की जगह बस विल लगा दो तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर हम बिकॉज लगाएंगे तो अलग सेंस देगा और अनलेस लगाएंगे तो अलग सेंस देगा अनलेस वाला सेंस जो है नहीं 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 फिट हो रहा है मुझे लगा था शायद नहीं हो रहा है हो रहा है माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस उस हाउस पर तब तक वो मतलब वो पैसा नहीं लगाएंगे ज़्यादा जब तक वो ये नहीं समझ लेते कि वो उस घर में शिफ्ट होने वाले हैं ठीक है विल नॉट सही है हाँ जी सही है चलिए अगले वाले में चलते हैं फोर्टी फाइव

राइट right? तो अब देखिएगा दूसरे हाउस के लिए बोला गया है इज नहीं आएगा जो लोग इज बोल रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है यहाँ पर क्योंकि इसके अनुसार लगता है तो आर इंटरेस्टेड इन मूविंग ठीक है इंटरेस्टेड इन in होता है या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आई एम इंटरेस्टेड इन दैट तो पर्सन है इन in आएगा इंटरेस्टेड इन in, और टू नहीं है इसलिए मूविंग ठीक है यहाँ पर तो इन मूविंग सही है आगे देखो टू अनादर हाउस दूसरे हाउस में शिफ्ट हो तो एकदम सही है कोई गलती नहीं है राइट right आंसर है नो no एरर अगला वाला इरा वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स हमने सैंड स्कल्पचर्स देखे द बीच बीच में हमने सैंड स्कल्पचर देखे तो बीच में देखते हैं या बीच पर बीच के लिए हमेशा ऑन का यूज किया जाता है है ना तो इन द बीच नहीं होगा ऑन द बीच होगा राइट right आंसर का क्वेश्चन है सिंपल है आगे बढ़ते सेवन पे एवरी बॉडी इन दै लेफ्टॉरी हैज है सही है बॉडी है ऑफिस में हर कोई तो एवरी के साथ हमारा जो ये है सिंगुलर रहेगाज आएगा एकदम सही है लेफ्ट अर्ली हर कोई ऑफिस में से जल्दी जा चुका था haven't they? Haven't they? नहीं गया क्या तो ये देखो हैज है जाए? तो हैज़ का ही हमने यहाँ पर हैव लिया है अब हैव क्यों लिया हैज़ क्यों नहीं लिया क्या हैज़ आना चाहिए था, थाजेंट आना चाहिए था उस हैज़ के अकॉर्डिंग और यहाँ पर एवरी है तो सिंगुलर होना चाहिए था हमारे हिसाब से बट नहीं ओके okay, जम्मू वालों को हमारा नमस्कार राजस्थान से और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर वैसे भी हमारा चैनल इंडिया स्टडीज भारत स्टडीज है यानी कि पूरा भारत पढ़ता है यहाँ पर चलिए अब देखिएगा राइट आंसर इसका नो एरर होगा रीजन देखिए पढ़ लीजिए नोट कर लीजिए वैसे मैंने इसको ग्रामर में पढ़ाया हुआ है भूल जाते हैं ना लोग प्रैक्टिस नहीं करते गलत आंसर देते हैं यहाँ पर एवरीबडी लिखा हुआ है एवरीबडी समबडी नो ये सब क्या है अनोन सब्जेक्ट है है ना जहां पे आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन कौन है क्या इन सब के साथ हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो दे आएगा ठीक है अब यहां पर subject अगर दे आ रहा है तो दे के साथ हम लोग तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं आएगा आएगा और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट लगा देंगे Haven't ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन टैग में बताया है मैंने ये राइट right? एक कोई लोग पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं उसको तीस बार कॉपी पेस्ट करके पूछते रहते हैं है ना मैं ये बोलूंगी कि तीस बार मत करो तीन सौ बार पेस्ट करो ऐसा ना हो कोई एक भी मिस कर दे उसको देखने से है ना भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको दिखाई देना चाहिए राइट चले अगले वाले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग द टीचर टोल्ड दैट देखिए जी ये क्वेश्चन कौन करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेंगे डिजिटली दो रुपए जल्दी जल्दी करके बताओ जिसको समझ आ जाती है बाद वो चुपचाप से मुस्कुरा देते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये कि आप मेरी बात समझ रहे हैं है ना इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई ग्रामर क्लास अगर आप लोगों ने ले ली है तो प्रैक्टिस करो उसको दो बार आप देख सकते हो तीन बार देखो ये आपकी इच्छा है टॉपिक जब मैं कराती हूँ एक एक चीज़ में करा देती हूँ अच्छा ठीक है रवि आपकी बात सुन ली गई है हाँ जी ये क्वेश्चन जल्दी से हैविंग के साथ वेस्टिंग कैसे आएगा भाई हैविंग है ना हैज हैव हैड है, has है, had है has, have, had, इन सब के साथ वी हमेशा और ये लगा हुआ है ठीक है रह, इसी का ही फॉर्म है हैविंग चलिए द टीचर टोल्ड that टीचर ने कहा कि द स्टूडेंट्स छात्र जो हैं उनको शुड हैव गॉन शुड हैव गॉन का मतलब चले जाना चाहिए था जा चुके होते कहाँ पे टू लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ देयर टाइम उनका समय को जो उन्होंने जो वो बर्बाद कर चुके हैं उसकी बात करें कि बर्बाद कर चुके होने से अच्छा होता कि वो लाइब्रेरी जा चुके होते है ना उन्हें जा चुके होना चाहिए था अभी तक जा चुके होते लाइब्रेरी अभी तक क्यों नहीं गए हैं ये बोलना चाह रहा है ठीक है तो शुड है ध्यान से देखो अभी ध्यान से देखो perfect, ये देखो ये लग गया है यानी कि डायरेक्ट बना हुआ है अब से बना हुआ तो यहां पे past हो गया शैल का शुड कर दिया शुड है पास्ट है यहाँ पे भी पास्ट है हर चीज सही है अब देखिएगा यहाँ पे जो आंसर है ना आंसर क्या है टोल्ड जो होता है ना हमारा क्या होता है टीवी टीवी ट्रांसिटिव टेल होता है ना ही टोल्ड मी स्टोरी टोल्ड हमारे क्या लेता है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ही टोल्ड मी द टीचर टोल दूडेंट द टीचर टोल द स्टूडेंट अगर ऐसा होता है ना अगर ऐसा होता द टीचर टोल द स्टूडेंट तो तो सही होता मींस hmm? टोल्ड को क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता पर वो यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसको उड़ा दो कौन फिट हो सकता है सैड ठीक है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता तो टोल्ड को उड़ा दो सैड को लगा दो राइट right आंसर को पालो ठीक है आगे चलेंगे ठीक है भाई टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है हाँ शिव शंकर बिल्कुल सही है जो यहां पे नहीं दिया गया टोल्ड के साथ दैट क्लॉज नहीं आता है दैट क्लॉज सैड के साथ आ जाता है दैट क्लॉज सजेस्ट के साथ आ जाता है है ना तो सजेस्ट भी लगा सकते हैं हम लोग सैड की जगह पे यहाँ पे सजेस्टेड ठीक है चलो अगले क्वेश्चन में चलेंगे फोर्टी एट हो गया फोर्टी नाइन ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास है ना कैसा क्वेश्चन है ये दो रुपए दे दो चलो दो रुपए मिल जाएंगे जिन जिन ने यहाँ पे आंसर कर दिया उसको यस yes, ये रिकॉर्डेड क्लास है गाइस बिल्कुल सही बात है एकदम रिकॉर्डेड क्लास में जिस चीज ने लाइक नहीं करा वो कर दो शाहरुख खान चलिए आपका सही हो चुका है दूसरा शाहरुख खान दिखाई दे रहा है आज यहां पे मुझे है ना अच्छा दोनों दिखाई दे रहे हैं वेरी गुड देखो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज लिखा हुआ है तो वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है प्लुरल आता है बॉयज हो जाएगा ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए वेरी गुड चलो अगला क्वेश्चन ही वॉज अवारॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन नए इन्वेंशन के लिए डॉक्टरेट मुझे लगा शाहरुख खान ने फोटो बदल ली है लोगों को टेम्प्ट करने के लिए फिर पता चला देर इज सम्बडियल्स ऑल्सो हाँ जी ही वॉज अवॉर्डेड विद डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन नए इन्वेंशन के लिए उसको डॉक्टरेट डिग्री दी गई है तो डॉक्टरेट ही डिग्री होता है इसलिए या तो आप डॉक्टरेट लिखो इट इज आई आई हैव बीन अवार्डेड माय डॉक्टरेट ये इसका राइट right होगा या तो डॉक्टरेट या फिर डिग्री दोनों में से कोई एक ठीक है काट दो ये सही है या तो डॉक्टरेट या फिर डिग्री नेक्स्ट नन ऑफ द डिप्लोमेट्स at the conference was able either to comprehend the uh, was able either to comprehend or solve the problem padihagam isvaligam the answer वो कैप की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बेटा अभी नहीं करवा पा रही हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से वो कैब की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आप सभी की ठीक है जो फ्री में जो पहले होती थी यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हमेशा होती हैं फ्री वाली चाहे हमारे पेड चलते रहे तो ग्रामर की अभी चल रही है वाली और पे वो हो जाएगी ठीक है न्यू सही है क्या कहाँ पे न्यू है बेटा पिछले वाले की बोल रहे हैं क्या हाँ न्यू इन्वेंशन अच्छा, फॉर हिज इन्वेंशन हो सकता है बहुत सारे इन्वेंशन से कोई भी नहीं में में से कोई भी नहीं एबल हुआ या तो कॉम्प्रीहेंड करने के या अंडरस्टैंड करने के या फिर सॉल्व करने के अब देखो वॉज एबल लिखा हुआ है ना इस लाइन को मैं पहले पढ़ रही हूँ वॉज एबल टू ठीक है अब इसको पढ़िएगा वॉज सबसे पहले तो ऑफ़ द डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं तो डिप्लोमेट्स काउंटेबल है ये काउंटेबल हो गया ना इधर टू अब आप लोगों को पता होगा टू प्लस फर्स्ट होता है इसको स्प्लिट यह इन्फिनेटिव होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव भी होता है स्प्लिट इंफिनेटिव क्या होता है

कि इधर के बाद जो वर्ब फॉर्म है ना वही इसके पेयर के बाद भी आना चाहिए मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब आना चाहिए ठीक है अगर आप टू अगर आप इधर टू करेंगे तो यहाँ पे भी और के बाद टू लगना था ठीक है और के बाद टू लगना था अगर सिंपल एंड होता तो उड़ जाता कि बार 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 सही मारा लेकिन इधर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही तो इधर भी गलती हो गई तो इसमें क्या है इस क्वेश्चन में ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत था इधर के बाद टू दे दिया था तो दो तीन गलतियां हाँ वर भी आएगा बेटा इसमें गलत है राइट ये सब चीजें हैं इसमें कल भी एक क्वेश्चन आया था नन के साथ अगर ये हमारा नाउन काउंटेबल होता है तो वह हमेशा प्लूरल आता है राइट नहीं नहीं हमेशा नन सिंगुलर नहीं लेता है बेटा अनकाउंट ये कंसेप्ट है नन का जो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है अच्छी जगह आप चेक करिए आपको मिल जाएगा ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स फ्लैट्स के सारे ब्लॉक द होल आता है ठीक है द होल आता है और ऑल के साथ द ऑल नहीं लगता है गलत है ये ना ऑल के साथ द बोथ के साथ द बाद में ठीक है डिटर्मिनट बाद में इसके पहले तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स फ्लैट्स के सारे ब्लॉक ठीक है इंक्लूडिंग टू शॉप दो शॉप को इंक्लूड करते हुए सारे के सारे जो ब्लॉक थे वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर फायर में डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयड हो गए ठीक है डिस्ट्रॉयड हो गए अब देखिए द होल ब्लॉक हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमारा वर्क सिंगुलर है ठीक है यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हम डिस्ट्रॉयड इन फायर या फायर में डिस्ट्रॉयड हो गए या फायर द्वारा डिस्ट्रॉयड हो गए है न तो यहाँ पे क्या आएगा बाय आएगा Destroyed by destroyed by fire. अगला वाला They were having अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक उनके एक बर्थडे पार्टी है नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह एक बर्थडे पार्टी है उनके यहां पर ठीक है आठ क्वेश्चंस और बचेंगे अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट एट क्वेश्चन बचे हैं है ना तो देखो जिन्हें लाइक नहीं करा है अभी तक अगर लगे आपको लाइक करने लायक सेशन तो प्लीज लाइक देम ठीक है आइए दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी अब देखिएगा हैविंग नहीं आता है हम लोग तो पढ़ते हैं हैविंग आता है टी के लिए और कंजम्पशन के लिए केवल हैविंग का यूज करते हैं या फिर हैविंग टू का यूज किया जाता है अदरवाइज हैविंग को हटाते हैं तो हैविंग हटाएंगे सबसे पहले और नेक्स्ट वीक होने वाला है नेक्स्ट वीक होने वाला है इसको हम प्रेजेंट से भी लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक सही है आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ये भी सही है है ना तो फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको दे आर गोइंग टू हैव दे आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक या फिर हम इसको नेक्स्ट वीक को हम प्रेजेंट से लिख सकते हैं यही बताने के लिए यहाँ पे ऐसे इसको लिखा गया है ठीक है तो दे आर सॉरी दे वर हैविंग इज अ रॉन्ग वन ये इसका सही वाला हो जाएगा दे आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक ठीक है और नेक्स्ट जो तो लिखा हुआ है इसके पहले प्रपो जैसे वीक के पहले होता तो प्रपोजिशन आता ठीक है पर प्रपोजिशन कब हट जाता है जब नेक्स्ट आ जाए ईच आ जाए ये सब लग जाए तो है ना चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे 54. The द function फंक्शन इज interrupted as एज अट सडनली went आउट इसको करिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आ जाएगा बताइए द इनोगर फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड टेम्परली यानी थोड़े समय के लिए इंटरप्टेड हो गई इंटरप्टेड हो गई इसका मतलब क्या हो गया बाधा आ गई उसमें क्यों एज अ लाइट्स सडनली वेंट आउट क्योंकि लाइट अचानक से चली गई तो यहाँ पर लाइट जा चुकी है तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा वॉस का यूज़ होगा लाइट जा चुकी थी या लाइट चली गई थी इसलिए जो इनग्रल फंक्शन है वो रुक गया तो थोड़ी देर के लिए तो वॉज हो जाएगा इसका राइट right आंसर इसकी जगह फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में है ना नेक्स्ट ही ऑलवेज प्रैक्टिसज द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल वो हमेशा प्रैक्टिस करता है ये वर्म है देखिए इसलिए और ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां पर एस भी लगा हुआ है ठीक है ये हमेशा प्रैक्टिस करता है ठीक है तो वो हमेशा प्रैक्टिस करता है क्या जस्टिस क्या प्रैक्टिस करता है जस्टिस ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द कब लगाया जाता है जब वो स्पेसिफिक हो यहाँ पे वो स्पेसिफिक नहीं है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा उड़ा देंगे इसको ठीक है द उड़ा देंगे यहाँ से ही ऑलवेज प्रैक्टिस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स तो द उड़ाओ आंसर पाओ अगले वाले में बढ़ जाऊँ फिफ्टी हो गया फिफ्टी हिज असिस्टेंट्स हैव and are still doing excellent work for the organization. ये एक preposition का simple सा question है और बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऐसे वाले questions को class में बहुत बार हम इसको कर चुके हैं हाँ रोज चलता है ये सेशन रोज चलता है 11 बजे द देखो हिज हैव एंड आर स्टिल डूइंग और अभी तक भी कर रहे हैं तो अब देखेगा एंड लग गया है ना एंड कब लगता है जब कोई चीज एक बार ही आने हो कंजंक्शन है और कंजंक्शन क्या करता है कोई चीज़ अगर एक ही बार आनी हो ना तो उसको एक ही बार रख देते हैं बार बार नहीं रखते हैं तो यहाँ पे डूइंग आ रहा है यानी कि वर्ब ये है

पार्ट ऑफ स्पीच है तो दो वर्ड्स अलग अलग आएंगे क्योंकि इसके साथ आई नहीं लगता है ऐसा ही दो अलग अलग वर्व अगर दिए हुए तो दोनों के अगर प्रपोजिशन uh, अलग अलग लेते हैं तो दोनों आते हैं प्रपोजिशन है ना अग्री टू वाला क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें है ना ठीक है तो हैव डन भी लगेगा ए इज़ द राइट आंसर और मोस्ट लोग उन्हें फिर से गलत कर दिया है पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग एकदम सीधी सी बात है चलिए अगले वाले में चल रहे हैं फिफ्टी सिक्स हो गया फिफ्टी सेवन थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद आर लाइव हैव बिकम हमारा जीवन बन चुका है हेल्दियर एंड लॉन्ग हमारा जो आ, जीवन है वो बन चुका है कैसा हेल्दियर और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्वास्थ्यकारी बन चुका है है ना बन चुका है एंड लॉन्ग और लंबा बन चुका है तो जब हेल्दियर बन चुका है जब हेल्दियर बन चुका है तो क्या बन जाएगा लॉन्गर भी बन जाएगा ना दोनों सेम डिग्री आना चाहिए ठीक है क्योंकि थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च ये ऐसे होना चाहिए था पर ये एसएससी एग्जाम में कई बार ऐसा किया जाता है ये पंक्चुएशन को कुछ समझते ही नहीं है और हटा देते हैं लगाना नहीं जैसे कॉमा उड़ा देते हैं पंक्चुएशन उड़ा देते हैं तो सेंस कभी गलत भी हमें समझ आ जाता है ठीक है चलिए थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च और लाइव हेल्थियर एंड लॉन्गर यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर चलिए अब लास्ट थ्री क्वेश्चन बचे हैं अब बेल्ट मान लीजिए सीट बेल्ट और सीट बेल्ट किस लिए क्योंकि भले से ये क्वेश्चन आपको हिलाएं आप कोशिश करें गलती ना करें इधर उधर के क्या करें कोई वो ना करें इधर उधर के कमेंट्स करने से अच्छा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए अगर पूरा फोकस क्वेश्चन पे होगा तो आपको ये चीजें कंसेप्ट याद रहेंगे आगे आप गलती नहीं करेंगे राइट चलिए द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड पहला टास्क प्रोवाइड कर दिया गया है सफिशियंट एरेबल लैंड एरेबल लैंड एंड द dispossessed फार्मर्स टू डिस द farmers. फार्मर्स ठीक है अब ये देखो ये क्वेश्चन है अब इसको पढ़ो पहले तो समझो अच्छे तरीके से क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए और अगर नहीं आती है तो उस चीज को आज ही सीख लेना है होता है कई बार होता है की वैल्यू नहीं होती है द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड अगर हम यहां पढ़े ना पहला टास्क है जिसको प्रोवाइड कर दिया फुल स्टॉप प्रोवाइड कर दिया गया पहला टास्क प्रोवाइड कर दिया गया है ठीक है आगे बढ़ो सफिश एरेबल अरेबल मतलब क्या होता है जो ये होता है ना कल्टिवेशन करने वाला जो लैंड होता है उसको बोला जाता है अरेबल लैंड जिसपे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं ना कल्टिवेटेड लैंड्स सफिशेंट कल्टिवेशन वाले लैंड्स हों एंड पहला टास्क ये टू द डिस फार्मर्स उनको दिए जाएं प्रोवाइड करना यहाँ पे प्रोवाइड करने का सेंस है है ना कि बोल रहा है कि पहला टास्क ये है कि प्रोवाइड कराया जाए अरेबल लैंड है ना मतलब कि

प्रोवाइड और क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया गया है तभी तो वो टास्क है इसलिए प्रोवाइडिंग नहीं आएगा तो टू प्रोवाइड यहाँ पर हाँ एरेबल यानी कि फर्टाइल यानी कि प्रोडक्टिव लैंड है ना यानी कि फ्रूटफुल जो फल दे जो क्रॉप्स uh, दे राइट फ्रूटफुल सक्सेसफुल जिसको बोला जाता है कृषि योग्य उपजाऊ ठीक है चलिए बैरन इसका ऑपोजिट होता है हाँ तो राइट आंसर टू प्रोवाइड होगा फर्स्ट वाले में लगेगा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 58 यहां पे हो गया मैंने कहा लास्ट थ्री क्वेश्चन ऐसे करो राइट right? पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल पेपर को रिसाइकल करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या आप खान सर को जानते हैं या खान सर के बारे में आपकी क्या राय तो अगर मैं बोलूँ नहीं जानते हो तो ये तो बहुत ज्यादा हाइपोबली होगा क्योंकि ही इज द नेम जिनको सभी जानते हैं तो खान सर को तो सब जानते हैं ये हमें पता है और बहुत अच्छा उनमें टैलेंट है एंड वी ऑल रिस्पेक्ट उन्हों oh no, उनको हम सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे भी पर्सनली हम लोग सब उनके वीडियोस देखते हैं तो ऐसा मैं कह दूँगी नहीं जानते हैं और एक उनमें एक अलग सा ही क्या है चाम है एक अलग सा ही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है वो बहुत सिंपल पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो ही इज़ द वन जिसको मैं भी जानती हूँ तो आप लोग का जो ये क्वेश्चन है उसको मैं जवाब दे रही हूँ कि खान सर टिक पर्सनैलिटी जिनको ना जानो या जिनसे दूर रह पाओ ऐसा हो नहीं सकता है चलिए इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर शुड बी रिसाइकिल अगर पॉसिबल हो पेपर का रिसाइकिल किया जाना चाहिए अब देखिएगा यहाँ पर बी जो है बी जो है वो क्या है रिसाइकिल लिखा हुआ है बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आता है बी यानी कि इज एम आर वॉज या वर भी हो सकता है बी यानी ए भी हो सकता है ठीक है तो बी रिसाइकल, शुड बी रिसाइकल्ड होना चाहिए यहां पर राइट अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आज के जो ये रहा और बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है एकदम जल्दी जल्दी से कर लो भाई ठीक है जल्दी जल्दी से कर लो नो जी के ही टेक्स जी के बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ही इज फ्रॉम बिहार और लैंग्वेज उनका बहुत ऐसा है बहुत यू नो ले मैन लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं शायद उनका लोकल लैंग्वेज का एक्सेंट उनके ऊपर बहुत है वो उसको यूज करते हैं चलिए नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन ही वोर सीट बेल्ट जैसे ही उसने देखा भाई सामने ट्रैफिक पुलिस है सीट बेल्ट पहन लिया अभी चालान कट जाएगा और नहीं तो पैसे लग जाएंगे फालतू के तो चलो अच्छा है पर सेंटेंस में गलती कर दिया है नो no सूनर के साथ क्या आता है ई आर लग रहा है एनी कंपैरेटिव और इसके साथ पेयर बनता है दैन का दैन लगाओ आंसर पाओ कहाँ पे अगले सेंटेंस के शुरुआत से पहले तो थ्री पार्ट में इसका एरर हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा इसी के साथ आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा 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 समाप्त होता है 260 सिक्सटी यहां पे खत्म हो गए हैं और आज के 40 क्वेश्चन आ गए हैं चलिए कितने पैसे आज आपके खर्च हो गए हैं कितने कमा लिए कितने बचा लिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए ठीक है आंसर दे दो फटाफट से हो गया है सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा पता है बहुत सारे नहीं नहीं करा चले जल्दी जल्दी जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक बढ़ाओ भाई देखते हैं कौन ने लाइक नहीं करा है कुछ लोग डिसलाइक बढ़ा देते हैं देख लेना देख लेना अभी चले हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आप और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए कर दिया करें शेयर करें सेशन के बारे में बहुत बताएं जहाँ जहाँ वीडियो देखते हैं वहाँ थोड़ा सा जिक्र कर दें जैसे यहाँ पे आके लोग जिक्र करते हैं अपने अपने फेवरेट टीचर्स का आप भी करें ताकि कि ये प्रोपोगेट जो है ये हम लोग भी प्रोपोगेट करें इस चीज़ को ताकि इनको समझ में आए कैसा लगता है चलिए एनी वे anyway, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को मिलेंगे एक बार फिर से ग्रामर और वोकैबलरी के क्लास में और नहीं तो कल फिर से ग्यारह बजे आप सबके साथ तब तक टेक केयर थैंक यू सो मच घर में रहें मोबाइल पे जितना सर्च करना है करें लेकिन पढ़ाई जारी रखें और सेफ रहें थैंक यू